हर खबर पर आपकी नजर, बेताब समाचार। सुरसुर किसान सभा और पूर्वांचल किसान यूनियन और विभिन्न किसान संगठनों ने इस बात को तय किया है कि किसान मुद्दा हम जारी करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और ये किसान एजेंडा इसलिए हम जारी करेंगे क्योंकि राजनीतिक दलों को हम चाहेंगे कि उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और इस किसान एजेंडे को हम चौपालों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से गांव गांव स्तर पर पहुंचाएंगे। और ये किसान एजेंडा आजमगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की जमीन छीनने की साजिश की जा रही है और इस साजिश को किसान बखूबी समझ रहा है। चाहे वो मंदिरी के आसपास का जो किसान है वो लंबे समय से आंदोलनरत है, चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या पार्क के नाम पर पूर्वांचल क्षेत्र के किनारे का किसान, वो भी आंदोलन लगातार कर रहा है और वो कह रहा है कि हम जमीन नहीं देंगे, हमको कोई मुआवजा नहीं चाहिए, इस कृषि योग्य भूमि का कोई विकल्प नहीं है, कोई क्योंकि ये जो अनाज है किसी कंपनी में नहीं इसको उगाया जा सकता है और भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ का विकास कृषि को लेकर होगा। आज ही देखिए पेपरों में लिखा है कि दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, तो मामला समझ इस बात का है कि लोगों को दाल रोटी की जरूरत है ना, तो एयरपोर्ट या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क्या करेगा। दूसरा कि जिस तरीके से विकास के नाम पर अभी पिछले दिनों मोदी जी आजमगढ़ आए थे और एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और उस एयरपोर्ट से कभी 6 तो कभी 10 यात्रियों ने लखनऊ से आजमगढ़ की उड़ान कर रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो भी 3,000 रुपए का टिकट है, जो मुश्किल से यहाँ पर जो एनएच से चला जाया जाए या पूर्वांचल एक्सप्रेस से चला जाए या यहाँ पे ट्रेन का माध्यम है उससे जाए तो वो बहुत सस्ती और सुगम और कम समय की यात्रा होगी। लेकिन आप जबरन यहाँ पर एयरपोर्ट को ला रहे हैं और उस एयरपोर्ट के नाम पर आप प्रदूषण तो प्रदूषण फैला रहे हैं और लगातार किसानों की जमीनें छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके 19 सीटर जो विमान है वो घाटे का सौदा क्यों आ रहे हैं, साफ तौर पर है, हम जान रहे हैं किसान मजदूर नौजवान इस बात को इस देश का जान गया है कि आप इन निजी कंपनियों से इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड लेते हैं और साफ तौर पर जो भी आप बना रहे हैं, जो भी ये इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे हैं, ये कंपनियों की बात कर रहे हैं, ये निजी कंपनियां हैं और निजी कंपनियां इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड के माध्यम से भाजपा को बड़ा चुनावी फायदा पहुंचाई है, ये चुनाव का एक गंदा धंधा है। इसके चक्कर में किसानों की जमीनें छीन करके कॉर्पोरेट समूहों को, कंपनियों को दिया जा रहा है, जो आजमगढ़ का किसान कतई इसको नहीं होने देगा और इसको बात को किसान यहाँ पर शुरू से कह रहा है। यहाँ पर जो मंदिरी के पास में जम्मू आरी राम है, जीना करमनपुर है, हसनपुर है, कादीपुर हरकेश है, गदरपुर चरपट्टी है, वहां से लेकर किसान साफ तौर पर कह रहा है कि आप जो जमीन लेने की बात कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण कानून उसकी इजाजत नहीं देता क्योंकि इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर किसानों की जो उनके रिहायशी इलाके हैं, जो उनके आवास है, जो घर है वो जा रहे हैं और किसानों के मुताबिक लगभग 4,500 से घरों को आप बुलडोज कर देंगे। तो ये जो बुलडोजर है, जो उत्तर प्रदेश में जिस बुलडोजर के नाम पर एक आतंक का पूरा माहौल है, तो इस किसान साफ तौर पर जानता है कि किसान का बेटा जानता है इस बात को कि अगर हमारी खेती किसानी में रहेगी तभी हमारा बच्चा पढ़ पाएगा, तभी हम खा पी पाएंगे, तभी हम रह पाएंगे। तो हम पूरे इस एजेंडे को लेकर लोकसभा चुनाव में ये पर्चा जारी होगा, ये डिमांड ड्राफ्ट जारी होगा और इसको तमाम राजनीतिक दलों के को भी भेजा जाएगा, जो प्रत्याशी है उनसे भी कहा जाएगा कि आप स्थिति स्पष्ट करें। क्यों? क्योंकि कोई भी विकास किसानों, मजदूरों, नौजवानों के विकास के बगैर नहीं हो सकता है और ये कैसा विकास है जिसमें हमारी जमीन छीन करके आप हमको सड़क किराए ला देंगे, आपको मजदूर बना देंगे और कह देंगे रहे कि एयरपोर्ट उड़ेगा तो विकास होगा, कैसा विकास है ये। और हम शायद अगर अपनी जमीन हम दे देंगे और इसको हम लोगों ने एक अध्ययन किया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे के किसानों का कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में दे दिया है उनके पास आज खेती योग्य जमीनें नहीं है, वो अपने अपने नस्ल के अंतिम किसान थे और जो कहा गया कि उनकी जमीनें लेकर के आप कहीं और जमीन ले लीजिए, इतनी जमीनों की शॉर्टेज है, इतनी महंगाई बढ़ गई है और दूसरा लगातार जमीन छीनने का प्रयास सरकारी मशीनरी द्वारा की जा रही, चाहे यूपी द्वारा, चाहे यूपी सीडा द्वारा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो जो इनका पूरा प्लान है। और
और इसमें ग्राम सभा तक की जमीनें ली जा रही है। उन ग्राम सभा की जमीनें जिस जमीन पे जो किसान है, जो मजदूर है, उसका चारागाह है, उसका गुरगड्ढा है, उसका उसके जो तमाम चीजें हैं वो है। और यहाँ तक कि जो क्या कहते हैं मंदिरी के एयरपोर्ट का जो विस्तारीकरण का जो पूरा है, उस इलाके में एक नहर भी है, तालाब है, वहां पर बड़े पैमाने पर जीव जंतु रहते हैं। तो मतलब कि ये इस तरह की जो भी परियोजनाएं है, ये एक जो गांव का जो ढांचा है, जो गांव का जो पूरा भारत जो कृषि प्रधान देश है, उसको खत्म करने की कोशिश है। और इस देश का किसान ये नहीं होने देगा, और इस तरह की जो विनाशकारी परियोजनाएं है उनको एक ही जमीन नहीं देगा। और इस इलाके में ग्राम सभाओं ने इस बात को तय किया है कि हम अपनी जमीन इस तरह की परियोजनाओं को नहीं देंगे। और ये किसान एजेंडा, आजमगढ़ का एजेंडा लोकसभा चुनाव के लिए